थैंक यू। लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना 23 मई को होना है। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट जिसको लेकर खरगोन में मतगणना के पहले स्ट्रांग रूम के आसपास तैयारियां की जा रही है। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम के जरिए खरगोन जिला मुख्यालय पर बने पीजी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में कैद है। वहीं प्रत्याशियों के भाग्य कल यानी 23 मई को मतगणना के बाद ही खुलेगा। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद डाड और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने आज स्ट्रांग रूम का दौरा करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कई व्यवस्थाओं को सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए। सुबह 8:02 पर ईवीएम खोली जाएगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कल से मतगणना सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रही है। आज अंतिम सारी व्यवस्थाएं देखने हम लोग उपस्थित हुए हैं। जिस रूम में हम खड़े हैं वहाँ पोस्टल बैलेट और ETPBS की काउंटिंग होगी। 6 विधानसभाओं के लिए 6 मतगणना स्थल बना दिए गए हैं। टेबल्स लग गई है। कर्मचारियों की आज ट्रेनिंग है 12 बजे गर्ल्स स्कूल में, वहाँ हम ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। तैयारियाँ पूरी हो चुकी मतगणना की। चूँकि बहुत गर्मी है इसलिए हर जगह कूलर लगाने की व्यवस्था करें। कॉरिडोर और काउंटिंग हॉल में सबसे पहले 8 बजे हम धारा 128 RPA के तहत हम लोग शपथ दिलाएंगे कि सभी सीक्रेसी ऑफ वोट का पालन करें, जिसमें प्रेस भी होगी, प्रेस को भी हम शपथ दिलाएंगे। 8:02 पर हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। खरगोन को छोड़कर बाकी सभी जगह CU की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 8:02 पर हम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे और आधे घंटे बाद यानी 8:30 पर खरगोन विधानसभा की भी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये काउंटिंग हमारा अनुमान है शाम को 5-6 बजे तक चलेगी। उसके बाद मैंडेटरी राउंड जो VVPAT के 5 राउंड है 1x1 उसकी काउंटिंग होगी और अनुमान है कि रात को 10-11 बजे तक।